아침 햇살과 모닝콜 너와 시작한 Welcome back to another new video BTS Army. Oh my god, this is another big update coming from Yeonchan Military Center regarding our favorite K-pop idol Jeon Jungkook. These new photos of Jeon Jungkook from military are making rounds on social media. Korean BTS Army have claimed that these are the real photos of Jungkook from graduation ceremony that held yesterday. And few BTS Army are saying that the pictures which were released yesterday of Jungkook's graduation ceremony was actually from his trainee day event. They are saying that the face of Jungkook is blurred due to privacy reason. But if you look at the height and the structure of this soldier, he actually looks like Jungkook. Although nothing has been confirmed yet and fans are waiting for Jungkook's brother to post some pictures from graduation ceremony. अगर इंडियन BTS आर्मी आप लोगों को हिंदी में बताऊं तो आप लोगों को पता ही है पिछले 2-3 दिन BTS मेंबर्स की ग्रेजुएशन सेरेमनी के नाम रहे हैं. पहले वी और नामजून की सेरेमनी हुई और फिर जिमिन और जंगकुक की. जहां फैंस को वी और नामजून की मिलिट्री सेरेमनी से बहुत सारी फोटोज और वीडियोस देखने को मिले तो फैंस का दिन बन गया. लेकिन जिमिन और जंगकुक की ग्रेजुएशन सेरेमनी से हमें कोई भी वीडियो देखने को नहीं मिली. हालांकि एक दो फोटो जरूर आए क्योंकि जिमिन और जंगकुक की यूनिट में स्ट्रिक्ट रूल्स थे, इसीलिए वहां फोटोज लेना अलाउ नहीं था. पर अब जंगकुक को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट ये आ रही है कि जंगकुक के कुछ फोटोज रिलीज हुए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जंगकुक के ग्रेजुएशन सेरेमनी की रियल फोटोज हैं, लेकिन प्राइवेसी रीजंस के चलते जंगकुक का फेस ब्लर कर दिया गया है. और जो फोटोज कल रिलीज हुए थे ये कहते हुए ये जंगकुक की ग्रेजुएशन सेरेमनी के फोटोज हैं, वो असल में ट्रेनी डे इवेंट के फोटो थे. हालांकि इसमें कौन सी बात सही है कौन सी गलत अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ है. लेकिन फैंस को उम्मीद है कि जंगकुक के रियल फोटो सिर्फ उनके भाई ही इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, तो फैंस उसी का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि ये जो ब्लर वाले फोटोज रिलीज हुए हैं इसमें सोल्जर की हाइट और स्ट्रक्चर देखकर तो लग रहा है ये जंगकुक हैं, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता. लेकिन आप लोगों को ये नए फोटोज देखकर कैसा लग रहा है और आप BTS मेंबर्स के आगे की जर्नी के लिए कितने एक्साइटेड हो, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.